नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि मैम, अगर हम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू एक प्रॉपर्टी के मालिक डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल हुआ था या फिर किसी और तरह का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था जिसकी वजह से ये साबित हो चुका है कि हम उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मे बी वो सूट फॉर एडवर्स पोजिशन था जिसमें वो काफ़ी समय तक कब्जे में होने की वजह से प्रॉपर्टी के मालिक डिक्लेयर हो चुके हैं न्यायालय के द्वारा, या फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन था या कोई फैमिली डिस्प्यूट था जिसमें किसी एक व्यक्ति को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये इस प्रॉपर्टी का मालिक होता है। तो ऐसे में कोर्ट ऑर्डर तो हमारे फेवर में है, पर ऐसी प्रॉपर्टीज पे क्योंकि लास्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे नाम की रजिस्ट्री नहीं है, कोई सेल डीड नहीं है, इस वजह से हमें बैंक लोन नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी आपको सलाह होगी कि पहली चीज, कोई भी कोर्ट ऑर्डर आपके फेवर में अगर आता है तो उसे आप अपने जो भी प्रॉपर्टी एरिया जो है, जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है, उस एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसील ऑफिस में अपनी इस कोर्ट ऑर्डर को रजिस्टर्ड करवा लें। जिस तरह से सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, जहाँ पे सेल डीड के बैक साइड में बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर लिखा जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में फ़ोटो खींचती है और वो फ़ोटो भी उस सेल डीड के पीछे छपी हुई होती है, ठीक उसी तरह ये कोर्ट की डिग्री भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है। तो जैसे ही आपकी कोर्ट की डिग्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाती है, ऐसी डिग्री पर आपको बैंक लोन मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है, प्लस आपको प्रॉपर्टी बेचना भी ज़्यादा आसान रहेगा अगर आपकी रजिस्ट्री रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज़ की, अगर आप उस कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे कोई और टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अपने किसी स्पाउस को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चे को, किसी को भी गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन फीस का, स्टाम्प ड्यूटी का, जो कि कोर्ट डिग्री रजिस्टर्ड करवाने में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, तो आप एक खर्चे से भी बचते हैं। प्लस आपको किसी और को अपना जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ती है एक रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और आप अपने ही नाम से प्रॉपर्टी को रखने के बावजूद एक टाइटल डॉक्यूमेंट बना पाते हैं। और उसका तरीका यही है कि आप किसी और को टाइटल डॉक्यूमेंट देने की बजाय खुद की नाम पे जो आपकी कोर्ट की डिग्री मिली है उसको आप रजिस्टर्ड करवा लें। दूसरा तरीका, अगर आपकी डिग्री पुरानी हो गई या किसी भी वजह से रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है और आपको बैंक लोन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इक्विटेबल मॉर्गेज अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है कि आपके जो ज़मीन के कागज़ हैं उनको रख करके, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं उनको रख करके बैंक मॉर्गेज करता है, आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है और बदले में आपको लोन देता है। अब कोर्ट का ऑर्डर अगर आपके फेवर में है तो उसमें दिक्कत ये आती है कि कोर्ट का ऑर्डर की तो आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, वो कोई ओरिजिनल रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, तो इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट कैसे होगी। इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेंगे उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस का ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट बन जाएगा और जिसके बेसिस पे आप इक्विटेबल मॉर्गेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे डिक्री को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आप बैंक को ये दे सकते हैं कि आप बैंक के फेवर में रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर देंगे, यानी कि एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड बैंक के फेवर में एग्जीक्यूट कर देंगे, जो अगेन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है और उसके बेसिस पे जो बैंक है आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, मॉर्गेज करता है और बदले में आपको लोन दे देता है। तो ऑप्शंस आपके पास दोनों तरह के हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है, और क्योंकि कॉपी बहुत सारी निकाली जा सकती है, तो उस पर आपको बैंक लोन मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा के इक्विटेबल मॉर्गेज में भी लोन ले सकते हैं, और अगर आपका जो कोर्ट ऑर्डर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवा के अपनी प्रॉपर्टी पे फिर भी लोन ले सकते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई और भी क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा ख्याल।